रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। शून्य से -50 डिग्री तापमान वाले सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा को तैनात जिला हमीरपुर के शहीद वरुण का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर, एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल, एसएचओ हमीरपुर मौजूद रहे। शहीद वरुण अपने पीछे पत्नी 7 साल और 3 साल के बेटे माता पिता छोड़ गया है। शून्य से -50 डिग्री तापमान वाले सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा को तैनात जिला हमीरपुर के शहीद वरुण का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर, एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल, एसएचओ हमीरपुर मौजूद रहे। शहीद वरुण अपने पीछे पत्नी 7 साल और 3 साल के बेटे माता पिता छोड़ गए हैं। हमीरपुर के हथली खड पर शहीद को उनके पैतृक गांव के लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी और उनकी शहादत को याद किया। इस मौके पर पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों को शहीद को सलामी दी। वहीं शहीद के ताया के बेटे ने रोते हुए प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया कि प्रशासन के तरफ से उनकी सुध लेने कोई भी नहीं आया। शहीद के दोस्त विकास ने बताया कि वरुण काफी मिलनसार थे और 3 महीने पहले ही उनसे मुलाकात करके गए थे। और इकट्ठे पड़े हुए हम अंदरवाड़ी से लेके तस्वीर तक इकट्ठे पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धन था और उसकी कमी हमें पूरी जिंदगी में रही। पिछली बार कब मिलना हुआ था आपसे? पिछली बार 3 महीने पहले इकट्ठे थे। और कुछ बताएंगे इनकी शख्सियत के बारे में? बहुत ही हंसपुर इंसान था, हर किसी से मिलना जुलना था। जितने वो तो जिंदगी हम इकट्ठे रहे हैं, जब कोई पल है नहीं जब हम इकट्ठे नहीं रहे हैं। कोई एक विशेष याद जो आप? कोई भी नहीं, मतलब बचपन से लेके आज तक इकट्ठे थे हम। मतलब जब भी छुट्टी आना तो इकट्ठे रहना, हम साथ ही रहना। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शून्य से -50 डिग्री तापमान वाले सियाचिन ग्लेशियर में काम करने वाले सैनिक के जज्बे को सलाम किया और कहा कि दुर्गम परिस्थितियों में भी देश सेवा कर वरुण ने साहस का परिचय दिया है और उनके जाने से देश व जिला ने वीर सैनिक खोया है। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार की जो भी सहायता होगी उसको सरकार से कहकर पूरा किया जाएगा। हमारा वीर सैनिक हमीरपुर का सपूत जो सियाचिन में बहुत ही ठंडे इलाके में अपनी ड्यूटी देते हुए वहाँ ठंड से, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ -40-50 डिग्री टेम्परेचर में नौकरी करने और देश की सेवा करने का जो वो वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा था, शहीद हो गया तो हमारे इस इलाके के लिए, देश के लिए एक नया नौजवान चले जाना बहुत ही दुखद घटना है। ये हमारे उस परिवार को, उस गांव को, उस इलाके को बहुत ही बड़ा सदमा, लॉस हुआ। ये वहाँ देश को भी एक नौजवान के चले जाने का नुकसान हुआ है। मैं अपनी तरफ से शहीद के परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति दे, बहुत शहीद की आत्मा को शांति मिले। हम सभी भारतवासी, हमीरपुरवासी व गाँववासी उस परिवार के साथ है। जो भी हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, जहाँ भी हमको जिस चीज़ की भी मदद होगी
हम उसको पूरी करेंगे। धन्यवाद। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय के साथ लगते दुलेरा गांव के निवासी वरुण कुमार शर्मा पुत्र अमरनाथ करीब 15 वर्ष पहले छह डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। बीती 20 दिसंबर को जब वह सियाचिन ग्लेशियर पर थे तो उन्हें अचानक सरदर्द हुआ और खून की उल्टी भी हुई। मौसम खराब होने के चलते वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं आ सका और वरुण को इलाज के लिए ले से बाएं रोड ही लद्दाख तक जाना पड़ा। 20 दिसंबर शाम को उनका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद उन्हें कमांड अस्पताल चंडी मंदिर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन यहां बीते रविवार को दोपहर बाद वरुण ने दम तोड़ दिया।